नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? बायो की नेक्स्ट यूनिट आप लोगों के सामने है। बायो में हमने लास्ट क्लास में टिश्यू किया था, उत्तक, जिसमें कि हमने एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, क्लियर कट, उसे क्लासिफिकेशंस देखी थी। अब मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनिमल्स टिश्यू, जो कि जंतु उत्तक से संबंधित है, उसको करना शुरू करेंगे। तो आपको पता है कि कई सारे सब पार्ट्स में थे वो लोग, कई सारे जंतु उत्तक में कई प्रकार के उत्तक आते हैं। तो जिसमें सबसे पहला उत्तक हमने डिस्कस किया था वो था उपकला, उपकला उतक, जिसको इंग्लिश में एपिथेलियल उतक बोलते हैं, है ना, एपिथेलियल उतक, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग भरोसा दिखा रहे हैं मुझ पर और अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस मुझे देते रहते हैं। प्लीज़, जिस तरह से हम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग उसको इन वीडियोज़ को सार्थक बनाइए। इनकी अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने लायक हैं तो ज़रूर नोट्स बनाइए और मैक्सिमम इसका यूज़ कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्रोपगेट कीजिए। देखिए, अब हम उस चरण में आ गए हैं कि जब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और वाकई में मैं कोशिश करता हूँ दिन में 2 वीडियो देने की, तो उसके लिए एफर्ट लगता है, मेरी खुद की अपनी प्रिपरेशन भी है, तो साथ में सोचता हूँ कि ये चीज़ें मैनेज होती रहें। और अगर आप लोगों की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा तो लगेगा कि हाँ, मैं अगर कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो उसका कहीं ना कहीं कोई यूज़ कर पा रहा है, तो वो ठीक रहेगा। मैक्सिमम प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक रीच बनाइए। मेरे पास तो थोड़ा समय का भाव रहता है, अगर आप लोगों का थोड़ा भी समय है तो प्लीज़ सोशल मीडिया का प्रयोग करके इनको प्रोपगेट कीजिए और लोगों की व्यूज़ लीजिए, औरों की नज़र में चैनल कैसा है, क्या कमियां हैं हमारे में, उसे थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। खैर, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेते, हम अपने बायो के नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। आज हम करेंगे जंतु उतक में अपना पहला उतक, मतलब एनिमल टिश्यूज़ में सबसे पहले करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, उपकला। क्या होता है ये एपिथेलियल टिश्यू? मोटे मोटे समझ लीजिए कि हमारे जो शरीर है उसका कवर है, कवर पेज है। जैसे हम कुछ भी लेते हैं, जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर एक कैपिलरीज इंक है ना, कि इसके सारे इंक आती रहती है, और इसके ऊपर एक कवरिंग बॉडी दे रखी है। अगर एक कवरिंग बॉडी नहीं होता तो क्या होता है, वो जो लिक्विड है वो हमारे हाथों में लगता, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है ना। या जिसकी जो आज इस मार्कर की एफिशिएंसी है, माइट भी उसकी एफिशिएंसी नहीं रहती। तो सिंपलर भाषा में, अगर हमारे शरीर पे कोई आवरण नहीं हो, किसी भी चीज़ पे कोई आवरण नहीं हो, तो चीज़ गंदी होगी, जल्दी प्रदूषित होगी, ख़राब होगी। इसी प्रकार से हमारी बॉडी को जो मैकेनिज़म बनाया गया है, उसमें सारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हमारी लेयरिंग है, उसको किस प्रकार से कवर किया जाए, उस कवर के निर्माण में जो टिश्यू यूज़ होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। जैसे मोबाइल को सुरक्षित रहता है मोबाइल कवर, उसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी को ये एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए पदार्थ सुरक्षित रखते हैं, समझ गए। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक समझाऊं मैं। ये कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं और आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ये सरलतम ऊतक है। देखिए, एपिथेलियल में भी सरलतम, सरल और कॉम्प्लेक्स दोनों है। इसमें ज़्यादातर सरल है, सिर्फ एक को छोड़ के। ये सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू मतलब क्या, इसमें एक जैसे टिश्यू की एक लेयरिंग है, बस एक लेयर में बना हुआ है, एक लेयर में, ठीक है। वो सिंपलेस्ट टिश्यू कहते हैं इसको, सरलतम टिश्यू। एक लेयर में जब कई सारी कोशिकाएँ मिल गई तो वो ऊतक के रूप में काम कर रही हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के रक्षी ऊतक होते हैं, मतलब प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये हमारे बॉडी की के कवर होते हैं, प्रकार हमारे शरीर का आवरण होते हैं। जैसे स्किन, ये इसी टिश्यू का हिस्सा है, ठीक है। बहुत नाजुक होते हैं ये, किससे बनते हैं, एक मैट्रिक्स के आकार का, मैट्रिक्स नुमा एक प्रोटीन होता है जिसे कॉलेजन बोलते हैं। एक मैट्रिक्स नुमा प्रोटीन होता है कॉलेजन, जिसके द्वारा ये सेल्स, ये टिश्यूज जो हैं वो निर्मित होते हैं, ठीक है, आपस में। ये क्या, विभिन्न देह तंत्रों को, हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, अलग अलग है ना, हार्ट है, ब्लड है, सब कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, उनको एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए ये रोधिकाएँ बनाती हैं, मतलब अलग अलग रास्ते उनको कवर करती है, कैविटीज को कवर करती है, ठीक है, उसके लिए रोधिकाओं का निर्माण करती है। तो अंदर आप समझ रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक प्रकार से एक कैबिन बनाती है, परमिएबल कैबिन है ना, जिसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जा सकें, परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप की बनाती हैं, और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से डिफरेंशिएट कर देती हैं। एपिथेलियल टिश्यू कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो मेन मेन है,
मैंने मुख्य रूप से इनको इसमें समाहित करने की कोशिश की है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एपिथेलियल टिश्यू 3 से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से 3 से 4 प्रकार के। सबसे पहला मैंने सबको फिगर्स के साथ दिखाने की कोशिश की है तो ताकि आप लोगों को थोड़ा ग्लिम्स लग जाए कि किस तरह से ये एक्ट करते हैं। ये है पहला स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, मतलब शल की सरल शल की उपकला। ये बिल्कुल, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, असमान होती हैं, साइजेस इनके चेंजेस होते हैं, अलग अलग साइजेस की होती हैं, ठीक है, एक एक प्रकार से चद्दर की तरह, लेयर की तरह, शीट की तरह, जैसे एक शीट में बिछाया गया, एक प्रकार से शीट की तरह इनका निर्माण होता है। साइजेस देख रहे हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये बीच में इसके जो इन्हें डॉटेड बताए हैं, ये साइटोप्लाज्म है, मतलब कोशिका द्रव्य। ये बीच में जो डार्क में लिखा है, ये केंद्रक हैं, ये सारे इन सेलों के न्यूक्लियस हैं, इन सारे सेलों के क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। और जैसे कि फर्श पे हम लोग टाइल नहीं बिछाते हैं, इस प्रकार से ये सेल आपस में मिलते हैं और कॉम्पैक्टली जुड़े रहते हैं। जैसे बीच का जो पदार्थ होता है, इसको सीमेंट पदार्थ बोलते हैं, जो इनको ज्वाइंट करके रखता है, ठीक है, और इस तरह से ग्लिम्प्स देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारी स्किन है, हमारी जो ऊपर लेयर की स्किन है वो इसी प्रकार की है, ठीक है। तो शल की स्क्वैमस एपिथेलियल सेल का एग्जाम्पल किसमें मिल जाएगा, हमारी स्किन से मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखते होंगे, इसका कलर जो होता है स्नेक टाइप का होता है, सांप की तरह का होता है, सांप के रंग का होता है। जब हमको पता है हमारा कहीं बॉडी में कट लग जाए, हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, कुछ दिनों बाद जब हम बैंडेड हटाते हैं, घाव जब भर जाता है, तो हमारी स्किन वो जो एरिया होता है वो हमारे नॉर्मल स्किन की तरह नहीं आता है, वहाँ पे दाग, बोलते दाग पड़ गया, चोट का निशान पड़ गया। और वो निशान कैसा होता है, वो ग्रे कलर का होता है, जैसे सांप के रंग का। इस एपिथेलियल सेल का वास्तविक रंग वही होता है, यही वो एपिथेलियल सेल है, जो कलर आया है ना, वो चोट लगने के बाद जो कलर बनता है ना, यही वो एपिथेलियल सेल की वजह से होता है। समझ गया आप, सिंपल एपिथेलियल सेल हमारी जो स्किन है, जो सबसे बड़ा टिश्यू है, वो इससे बना होता है। अब देखिए, मैंने बताया था पतले होते हैं, सिंपल एक लेयर होती है, चपटे होते हैं, शीट की तरह होते हैं, असमान कोशिकाएं होती है बता दी, टाइल्स की तरह होते हैं बता दिया, फ्लैट होते हैं सिंपल। ये अब ये कहाँ कहाँ, अब इनकी क्वालिटी क्या होती है, परमिएबल होते हैं। परमिएबल मतलब क्या, पारगम्य। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन झिल्ली। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जिसमें कि एक प्रकार से विरोध अवरोध होता है, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसमें से पास हो सकते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसमें से पास हो सकते हैं। जो फिल्टर वगैरह हम लोग घर में यूज़ करते हैं, प्योरेट वगैरह, वो यही प्रोसीजर पर होता है। या आपको बेस्ट एग्जांपल, हम लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं ना, क्रीम लगाते हैं, फेयरनेस क्रीम, उसको ऐसे ऐसे मलते हैं तो क्या होता है, वो हमारी स्किन के अंदर चला जाता ना, और हम थोड़े से स्मार्ट दिखते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे इस स्किन में ये क्वालिटी है, परमिएबल क्वालिटी है। हमारे जो टिश्यू है ये थोड़ा शल्की है, ये सल्की एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, जो कि परमिएबल होता है। इस कारण से ही हमारे जो हम क्रीम पाउडर वगैरह मेकअप वगैरह करते हैं तो वो हमारी स्किन के साथ मैच कर देता है, क्योंकि उसको अवशोषित कर देता है, सोख लेता है उसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर सक कर लेता है, इस क्वालिटी के कारण। समझ गए? तो ये था हमारा पहला शल की उपकला, सिंपल स्क्वैमस। सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही लेयर का है, ठीक है। अब इसी शल्की में थोड़ा सा जटिल आ गए, ये और ये एक ही चीज़ है, बस ये एक लेयर का था, एक लेयर। इसमें कोशिकाओं की कई सारी मल्टी लेयर होती है, इसमें क्या होती है, मल्टी लेयर होती है कोशिकाएं सेल्स की, और अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, इंग्लिश में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल, या हिंदी में केराटिन या कैरोटीन जिसको बोलते हैं, कैरोटीन जन सेल उपकला। ये वो सेल होते हैं जिसमें ऊपर, ये देखिए अलग अलग प्रकार के सेल हैं, और ये सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बन रहा है। आपको पता है हमारे जो पैर हैं इसकी जो नीचे की जो चमड़े हमारे इतने मोटे क्यों होते हैं, है ना, ये क्यों, क्योंकि वो इस प्रकार के टिश्यू से बने हुए हैं। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो टिश्यू है वो डेड, वो बिल्कुल मृत कोशिकाओं से बना होता है, जिसके कारण कि हमारे पैर के चमड़े इतने टाइट होते हैं, और सर्दियों में हमारी एड़ियाँ होते हैं ना, एड़ियाँ फट गई, रूखापन हो गया, बिकॉज ऊपर की पूरी लेयर डेड सेल से बनी है, जो कि कैरोटीन होता है। किसे? कैरोटीन से बना होता है। हमारे नेल्स, हमारे हेयर सब कैरोटीन से बने होते हैं, ठीक है, इसीलिए हार्ड होते हैं, सबसे हार्डेस्ट होते हैं। उसके बाद कैरोटीन के जो सेल्स होते हैं सबसे ऊपर होते हैं, जो कि हमारे स्किन को टाइट करने का काम करते हैं, इसीलिए हमारे पैर के जो तलवे हैं इतने टाइट होते हैं, है ना, हमारे स्किन के। उसके बाद ये सीधे शल्की वाले आ जाते हैं, इसीलिए नेक्स्ट लेयर पे सल्की वाले सिंपल स्क्वैमस आ जाते हैं,
इसी के लिए ये हल्की सी नॉर्मल स्किन होती है, इसीलिए उसके बाद नॉर्मल स्नेक के कलर वाली स्किन आ जाती है, और उसके बाद अलग अलग दूसरे टाइप के हमारे ये सेल्स आ गए। इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे, इसमें ना इधर साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं है, इसमें बीच में साइटोप्लाज्म भी नहीं है, और कई सारे अलग अलग प्रकार की सेल्स की लेयर बनी हुई, और मल्टी लेयर्ड ये टिश्यू है, ठीक है, इस मल्टी लेयर्ड सेल वाला टिश्यू है ये। इसी कारण से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ ये सिंपल स्ट्रक्चर था वहाँ ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसीलिए थोड़ी सी हार्ड स्किन को डेवलप करता है, ठीक है, जो तलवे की हमारी स्किन होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसका कारण होता है कैरोटीन, जो डेड सेल्स होते हैं इसके, इसी कारण से हमारी स्किन वो हार्ड बनती है, ठीक है। तो ये सब पहले का हिस्सा था, उसका दूसरा सोर्स था ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू था। अब आते हैं दूसरे के ऊपर, ये हमारा सिंपल वाला, अब ये हमारा आ गया घनाभ उपकला। क्या आ गया? घनाभ उपकला, क्यूबिकल एपिथेलियल, कुछ नहीं है इसमें, ये हेक्सागोनल शेप होती है, षटकोण टाइप के, हेक्सागोनल क्यूबॉइडल ईंट की तरह के। इसमें ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमारे शरीर में और क्या क्या काम करते हैं, देखिए हमारे आंत कह रहा हूँ, हमारा जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, उसकी डक्ट्स में, उसकी जो डक्ट्स हैं उसमें बनते हैं। अच्छा, मैंने इसका सल्की का बताया नहीं कि ये पहले वाले का, कि ये कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। देखिए हमारा मुँह जो है, हमारी टंग, हमारा नोज के जो बने हुए हैं अंदरूनी जो हिस्से, हमारे जीभ के जो कवर बने हुए हैं, हमारे जीभ का जो ऊपरी हिस्सा बना हुआ है वो सब इसी लेयर से बना हुआ है, इसी टिश्यू से बना हुआ है। उसके बाद हमारे फेफड़े के ऊपर जो लाइनिंग है वो इसी टिश्यू से बनी हुई है। उसके बाद फूड पाइप, ग्रसिका नली जो हमारी है, खाना खाने वाली नली है जो है ना, जो ट्रकिया वगैरह से जो अलग करती है, फूड पाइप जो है वो भी इन्हीं सेल से निर्मित है, सॉरी इन्हीं टिश्यू से निर्मित है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो घनाभ के बारे में आ रहा था, ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं, इसमें बीच में टिश्यू, उसका बीच में जो सेल्स का न्यूक्लियस होता है, और ये मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, हमारे शरीर के अग्नाशय थायराइड ग्रंथियों में मिलते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं उसमें मिलते हैं, ये प्रजनन जो ग्रंथियाँ हैं है ना, अंडाशय जो है उसमें मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये टिश्यू क्या कार्य करते हैं, सिक्रेशन, श्रवण करते हैं है ना, मुकस जो बलगम वगैरह जो निकालना, या अन्य हमारे अंदर के पदार्थों को, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो गीले गीले होते हैं, नमी वाले होते हैं, इन्हीं कारण से, इन्हीं टिश्यू की वजह से, क्यों, इन्हीं टिश्यू की वजह से जो हमारे वो बलगम निकलता है, या जो अन्य प्रकार के जो चीज़ें सिक्रेट होती हैं, अन्य प्रकार के जो जूस है ना, जूस या बाइल्स सिक्रेट होती हैं, वो इन्हीं की वजह से होती हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन, जो हमारे मलमूत्र जो बाहर की ओर निकलता है, उसमें भी कॉलन वगैरह में भी यही कॉलन वगैरह भी इन्हीं टिश्यू से ही कवर होते हैं, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो भी आँत वगैरह में जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेशन होता है, उसमें भी ये टिश्यू काम करते हैं, ठीक है। ये जरूर कर लीजिएगा कि कौन सा टिश्यू कहाँ होता है, प्रजनन ग्रंथि, पैनक्रियाटिक डक्ट और थायराइड वेसल। और लास्ट प्रकार का है जो स्तंभाकार, कॉलमर, इसमें कॉलमनर जैसे कि खंभे होते हैं, खंभे के आकार के ये टिश्यू होते हैं, इसमें जो केंद्रक होता है काफ़ी नीचे होता है, और इस प्रकार से एक साथ जब हजारों पिलर बने हों तो उसकी पूरी शीट बन जाती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो हमारे पेट होता है, पेट की जो हमारे जो कवर्स हैं वो इसी से बने हुए हैं, ठीक है। हमारे पेट के जो आवरण है, सॉरी हमारे पेट का आवरण, हमारे आँत का आवरण, उस बाद हमारी पित्त की थैली जो गॉल ब्लेडर है उसका आवरण, सब इन्हीं प्रकार के उससे निर्मित है, टिश्यूज से निर्मित है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल होता है ना, कि हम कोई तीखी चीज़ खाते हैं, कोई चटपटी चीज़ हमने खाई, क्या हमें सूंघ ली हल्की सी, तो हमको आँखों पानों में बिल्कुल पानी आ जाता है, आँख बिल्कुल छींकी छींक आने लगती है, हम अनकंफर्टेबल रहते हैं, आँख में से आंसू आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेंसिटिव हो जाते हैं। और जबकि वही चीज़, वही स्टफ हम खाते हैं, जब हमारी पीठ में जाता है तो हमको ऐसा कुछ इतना फील नहीं होता है। वाई? बिकॉज ये इन कॉलमनर टिश्यू से हमारे जो पेट हैं, आते हैं, उस पर आवरण बना हुआ है ना, कवर्ड है, जिसके कारण कि वो इसको वो प्रतिक्रिया दे प्रतिक्रिया है ना, वो रिस्पॉन्स देने से रोक देते हैं, जिस कारण से हमको पेट में उतनी जलन नहीं होती जितनी कि ऊपर हमको जलन होती है। आप लाल मिर्च आंखों पे डाल के देखिए और लाल मिर्च पेट में डाल के देखिए, तो पेट में आपको कम दिक्कत होगी आँखों के मुकाबले, है ना, वो इन्हीं टिश्यूज़ के मुकाबले होता है। तो मुख्य रूप से और इन्हीं टिश्यूज़ में एक और इसी का सब पार्ट कहें जाए तो इसी का सब पार्ट होता है, जैसे ग्रंथील टिश्यू कहते हैं, ग्लैंड है ना, ग्रंथी जो जगह जगह ग्रंथियाँ होती हैं,
ग्रंथियाँ क्या करती है, ग्रंथियाँ चीज़ें हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करती है ना, तो ये जो ग्रंथियों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी कॉलमुलर टिश्यू ही होते हैं, स्तंभाकार टिश्यू ही होते हैं, उन्हीं से बनाए जाते हैं। और ग्रंथिल जो है टिश्यू है वो भी दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर, एक होते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। जैसे कि जो हमारे पसीना निकलने वाली जो ग्रंथियां हैं, जो पसीना जिससे हमारी स्किन पर पसीना आता है, लार निकलता है मुंह में, वो सारा इन्हीं ग्रंथियों के कारण होता है, जो मुंह में लार आता है ना, वो ग्रैंडुलर ग्रैंडुलर टिश्यू के कारण। और ग्रैंडुलर टिश्यूज किससे बनते हैं, इससे बनते हैं। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है कि एपिथेलियल टिश्यू में जितना हम लोग को पढ़ने लायक इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको। ये हमारे स्किन का, हमारे फेफड़े का, हमारे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमारे हार्ट का आवरण, हार्ट का जो कवर होता है क्रैनियम, वो भी सब इन्हीं सब के टिश्यू से बनता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैरेटीन वाला, कि हमारी जो टाइट स्किन होती है वो इसके कारण बनती है। उसके बाद मैंने आपको क्यूब वाला बता दिया और कॉलम वाला बता दिया। कॉलम में ही एक और सब पार्ट है, ग्रैंड ग्लैंड वाला, ग्लैंड ग्लैंडुलर, इसमें ये ग्रंथियाँ, जो ग्रंथियों वाले ऐसे उत्तक जो ग्रंथियों में होते हैं, है ना, जो ग्रंथियों में होते हैं, और ये क्या कार्य करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं, ये मुकस सिक्रेट करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, अलग अलग पदार्थ सिक्रेट करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड होता है ना, पसीने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वो इसी से बनी होती हैं, जैसे कि हमको पसीना आता है, किसी किसी की स्किन ऑयली होती है, वो ऑयली स्किन वगैरह कुछ नहीं, वो इन्हीं ग्रंथियों का कमाल होता है। समझ गए आप लोग? तो मुख्य रूप से पहला जो टिश्यू है वो हमारे शरीर का कवर है, हमारे बुक का कवर है, और हमको बाहरी इन्फेक्शन से, बाहरी किसी रासायनिक प्रतिक्रिया से बचाता है, और अंदर के ऑर्गन्स को संभाल के रखता है, अंदर के ऑर्गन्स को नमी दे के रखता है, बिकॉज इन सब में परमिएबल क्वालिटी होती है, पारगम्यता होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आर पार कर सकते हैं, और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से अलग रखते हैं, ठीक है, मोटी मोटी लैंग्वेज, इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू।